ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਸਕਣ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਹੋਰ ਨਿਖਰ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਗਾਮੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। जी, मेरा बेटा अभी 2-3 महीने पहले ही कनाडा गया है। वो ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स करने गया है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। ही गॉट अ स्पेशल स्कॉलरशिप देयर और वहाँ वो पढ़ने गया है। जी, ये सुनने में तो बहुत आ रहा है, लास्ट 10-12 दिन से पॉलिटिकल टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, कल से तो और ज़्यादा बढ़ गई हैं। देखिए, दोनों कंट्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं इनके अराउंड। देखिए, लड़ाई झगड़े में तो कुछ पड़ा नहीं है। देखिए, दे हैव अ ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर, कनाडा हैज अ ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर टू लिव लाइफ, एंड यू नो इंडिया इज कैपेबल ऑफ गिविंग लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इंडिया जितना स्टूडेंट जाता है इंडिया से वहाँ पर, तो पॉलिटिकल टेंशंस अगर होगी तो प्रॉब्लम तो आएगी। उधर हमारे बच्चों को भी, वी आर वेरी स्केयर्ड राइट नाउ कि हमारा बच्चे का आगे फ्यूचर, क्योंकि ही इज टू यंग, अभी ही गया है वो, तो आगे फ्यूचर उनका क्या होगा, वो डर तो लगता है, बिकॉज ये पॉलिटिकल टेंशंस कहाँ जाके रुकती हैं, आगे क्या होगा फ्यूचर में। और हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है अपने बेटे पे, यू नो इट्स एन हार्ड एंड मनी, यू नो, तो ऑलवेज एक डर तो रहता है कि आगे क्या होगा। तो इन दोनों कंट्रीज के लीडर्स, जो कि स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, एक बहुत पुरानी डेमोक्रेसीज हैं दोनों, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज हैं, इन दोनों को बैठ के एक मसले का हल निकालना चाहिए, जिससे कि विन विन सिचुएशन हो दोनों कंट्रीज के लिए और सब खुशी खुशी रहें, और हमारे बच्चे जो वहाँ जाते हैं, क्योंकि उधर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे बच्चे वहाँ अच्छा पढ़ सकें और इंडिया का नाम रोशन कर सकें, यही मैं कहना चाहता हूँ बस। मेरा बेटा 2 महीने हो गए कनाडा गया है बीकॉम ऑनर्स करने के लिए, तो ये जो भी मसला चल रहा है, ये पॉलिटिकल मसला, दैट इज नॉट गुड। ये दोनों कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा गलत है। कुछ बच्चे जो आगे सोचते हैं अपना, उन्होंने करियर सोचा हुआ है, हम वहां जाके सेट होंगे, पेरेंट्स का पैसा लगा हुआ है, फैमिलीज का पैसा लगा हुआ है, तो ये सारी पॉलिटिकल इश्यूज के कारण ये सब कुछ स्पॉइल हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। इन सबको बैठ के एक वे आउट निकालना चाहिए, जो कि दोनों कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। पॉलिटिक्स के पीछे बच्चे, उनका फ्यूचर, उनकी फैमिलीज खराब नहीं होनी चाहिए। एक डर लगता है मैम कि आपका बेटा वहां पे है, रिश्ते दोनों देशों के खराब हो रहे हैं, कुछ डर लगता है कभी कभी? हाँ जी, डर तो लगता है। जैसे यूनिवर्सिटी तो नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे कंट्रीज के आपस में रिश्ते खराब हो रहे हैं, डर तो लगेगा। हमने अपना बच्चा 4 साल के लिए भेजा है, तो माहौल तो यस डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए दोनों लीडर्स के लिए, ताकि हमारा बच्चा भी वहां पे सेफ रहे, सिक्योर रहे, उसकी अच्छी ग्रोथ हो। और जितने भी पेरेंट्स के बच्चे वहां पे गए हुए हैं, यही सारी सिचुएशन सबकी सेम ही चल रही होगी, इसलिए सबकी एक ही सोच है, ये पॉलिटिक्स को पीछे रख के हमें दोनों कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए इसका हल निकालना चाहिए, जबकि इस मसलों में, इन लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा हुआ। दोनों देशों की तरक्की के लिए यही बेटर है। क्या लगता है कि जो बच्चे यहाँ से अभी कनाडा जाने वाले हैं, उनके मन में भी एक डर रहेगा इस बात को लेकर?
हाँ जी रहेगा तो सही, डर बिल्कुल रहेगा, क्योंकि उनको होगा पता नहीं हमारे साथ यहाँ पे कैसा बिहेव होता है, हम उनमें कम्प्लेक्स आ सकता है कि यहाँ के रहने वालों के लिए डिफरेंट बिहेवियर है, हमारे लिए डिफरेंट बिहेवियर है, कम्प्लेक्स तो उनमें आएगा ही आएगा, जिसको अवॉइड करने के लिए, इग्नोर करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये सारे इश्यूज खत्म होने चाहिए, इनको बैठ के एक रास्ता निकालना चाहिए।